चलो चलो जल्दी से आ जाओ एम आई ऑडिबल एंड विजिबल नाइसली टू यू लेट मी नो दिस वेरी फर्स्ट चलो चलो डियर स्टूडेंट जल्दी से आ जाओ चलो डियर स्टूडेंट्स वेरी फास्ट सौरभ प्रणाम प्रणाम नमस्कार नमस्कार टाइम टाइम पे आओ टाइम पे आना है हमको भाई एग्जैक्ट टाइमिंग के ऊपर हमारा सेशन चालू हो चुका है सो टुडे सेशन डियर स्टूडेंट्स आई होप फॉर मी ओके एज फार एज द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इज कंसर्न ये मेरा ये गेट लक्ष्य 2022 का ये अपना आखिरी सेशन होगा आज की जो है मटेरियल साइंस एंड द मेट्रोलॉजी के ऊपर So, जल्दी से जुड़ जाओ डियर स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स ये दो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है अगर अपने आप में ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट होंगे डेफिनेटली लेकिन भैया हमको एज फार एज द गेट इज कंसर्न क्या हमको एक्सपेक्टेड है क्या प्रोबेबिलिटी है ओके okay, कि जो दो से तीन मार्क कोर्स ये दोनों सब्जेक्ट मिला के मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन मिला के तीन से चार मार्क डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है एक्सपेक्टेड कर सकते हैं गेट 2022 में भी ओके सो क्वाइट ये पर्टिकुलर जो सेशन है हम सेशन प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे ओके okay? क्वेश्चन uh, और उसका करेंगे सोल्यूशन सॉल्व ऑन द स्पॉट इन दिस पर्टिकुलर सेशन लाइव चलो भैया चलो जल्दी से बता दो सौरभ अनिल वेरी फास्ट टेलमी दिस कमॉन्ड डियर स्टूडेंट गोइंग टू बी अम्पॉर्टेंट एंड फैंटास्टिक रॉकिंग सेशन फॉर दिटेरियल एंड मेट्रोलॉजी ओके वी कैन एक्सपेक्ट वन मार्क और टू मार्क क्वेश्चन फॉर द मटेरियल साइंस एंड ऑफकोर्स डियर स्टूडेंट वी कैन एक्सपेक्ट टू मार्क्स क्वेश्चन ऑन द मेट्रोलॉजी चलो ऑडिबल विजिबल हूं बहुत बढ़िया और डीयर स्टूडेंट्स ओके okay, अगर परफेक्ट है तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो शेयर कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल गेट ये सी स्टूडेंट्स चलो बहुत सारे आने वाले हैं सेशंस अपने इस प्रोडक्शन के बाद डेफिनेटली पूरा देखो दो महीने के अंदर मैक्सिमम मैकेनिकल इंजीनियरिंग हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक को कवर करने की कंप्लीट करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे हम ओके okay, सो so बस आपको यहां पे रोज साढ़े सात बजे अपना फिक्स टाइमिंग होगा इस लक्ष्य सीरीज के लिए राइट right? मामशी सरदार वेलकम राहुल शर्मा नमस्कार गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग चलो भैया जल्दी से जल्दी से आई वॉन्ट द नंबर कहां गए बच्चे आज देखो एक एक मार्क से ही जुटाने हमको पचास से साठ मार्क ये अपना टारगेट है भाई कोई कम कोई ज्यादा हमको जो है इक्वल इंपॉर्टेंस दे के हर एक चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से लेनी है दिमाग में राइट right? एक एक मार्क से ही अपने पचास साठ मार्क कवर होंगे और मटेरियल साइंस कुछ डी स्टूडेंट ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत ही बेसिक से अपने को क्रिस्टल स्ट्रक्चर है क्रिस्टलोग्राफी दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स फेस डायग्राम्स ओके बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एक एक मार्क के लिए मतलब हर एक टॉपिक को इन डेप्थ करने से अगर डे बाय डे अगर खाली प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चंस भी तो भी कहीं ना कहीं ये मोर देन इनफ हो जाएगा मटेरियल साइंस जैसे टॉपिक के लिए मैं टॉपिक बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा सिलेबस है नहीं तीन से चार तीन से चार इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हीट ट्रीटमेंट आता है फेस डायग्राम आती है क्रिस्टलोग्राफी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल तो देखो आदि बहुत तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ चुके रहते हैं ये सर नो और बात रही मेट्रोलॉजी की बहुत देखो सिलेबस में दे बहुत सारी चीजें हैं वहां पे लेकिन पूछने का जो तरीका होता है मैक्सिमम जो पूछते हैं टॉपिक आप अगर देखोगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स सो उसमें ये लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस देखो एक मतलब ये कंफर्म श्योर शॉट हम मोस्ट एक्सपेक्टेड कैटेगरी में इस टॉपिक को डाल सकते हैं जहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं हर साल कि भाई क्वेश्चन जरूर होगा राइट right? मतलब ऐसे कुछ चीजें हैं कि भाई अगर हमको भाई पचास से साठ मार्क अपना टारगेट है पूरा का पूरा नहीं करना है लेकिन जो करना है बहुत सही तरीके से करना है तो डेफिनेटली आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जल्दी से आ जाओ बहुत लेट कर दिया आज बहुत लेट कर दिया ओके भाई लाइक कर देना सेशन को जरूर लाइक कर देना ओके और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे चलो मेरे बारे में आई एम ओंकार हैविंग मोर देन टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर टीचिंग गेट एंड सी टिल नाउ आई हेव मेटर मोर दें टेन थाउजंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माई एर ऑफ एक्सपर्टीज आर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री इंजीनियरिंग फ्लूड मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स वेल एंड वेरी इंपॉर्टेंट आज की ये न्यूज डी एस बाईस और तेईस तारीख को दे रहा है फ्लैट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ओके ऑन अवर ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम्स राइट फॉर गेट ई एस सी एंड इस पी एस यूज ओके, okay. सो so, आपको यूज करना है अगर आपको ये डिस्काउंट अवेल करना है दैट इज टी ट्वेंटी स्पेशल सेल है ये क्रिकेट के फैन हो आपको पता है टी ट्वेंटी अभी चालू होने वाला है राइट सो कोड आपको यूज करना है क्रिकेट टू फाइव कौन सा क्रिकेट ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव परसेंट फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है बाई स्टूडेंट्स फॉर गेट पी एस एग्जामिनेशन राइट यूज दिस ओके नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डियर स्टूडेंट्स विजय विजय इज विद वेलकम दियर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान डेफिनेटली सो है ना चलो ये देखो भैया ये आपको थोड़ा इन्फॉर्म कर रहा हूँ ये मेरे बारे में डेफिनेटली कि जो मैंने आज से चीज जो सीरीज चालू की है अपने बायजूस ऐप के ऊपर ये ऐप के ऊपर मैंने आज से चालू की है भैया ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस सुशील नमस्कार ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन देखो पूछने के लिए तो कुछ नहीं पूछा था 2021 में लेकिन इसकी वजह से मैक्सिमम हम रिवीजन कवर कर सकते हैं भैया प्रोडक्शन की तो डेफिनेटली कुछ अच्छे क्वेश्चंस सिलेक्टेड क्वेश्चन बना के ये सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं मैं आज से चालू किया है जिसका पहला सेशन कास्टिंग का हो गया है याद रखना बाईस अक्टूबर से दैट इज आज से सीरीज चालू हुई है बाइजूस ऐप के ऊपर रोज सुबह दस बजे ओके दस बजे दस बजे डोंट फॉरगेट दिस टेन ए एम वेरी गुड और भैया कल से कल से दोपहर तीन बजे दोपहर तीन बजे आऊंगा लाइव अपने गेट एमर सीरीज में फ्लूड मैकेनिक्स लेके ओके जो कि अपना पुराना चैनल दैट इज गेट ई ओके इंग्लिश वाला चैनल के ऊपर आऊंगा डीएर स्टूडेंट इसका पांचवा दिन होगा कल ओके सो पहले चार दिन धीरज सर ने कंडक्ट कर लिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आज इसके बाद करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉरी फ्लूड मैकेनिक्स चालू ओके सो बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट्स चलो ये पहला क्वेश्चन चालू करते हैं आज का चलो पहला क्वेश्चन चालू करते हैं आज का आयरन कार्बन एलॉय विच कंटेन्स फोर पॉइंट थ्री टू सिक्स परसेंटेज कार्बन इज कॉल्ड देखो देखो इसके लिए डायग्राम मैंने आपको तैयार रखी है फोर पॉइंट थ्री से लेके सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन तक मतलब देखो ये वाला रीजन ये वाला रीजन भैया क्या इसे बोलते हैं देखो फोर पॉइंट थ्री मतलब ये पर्टिकुलर रीजन ओके okay, डेफिनेटली तो कास्टाइन है कास्ट ही कास्टाइन है ही भैया दो परसेंट से ऊपर जाओगे तो यहां पे ये जो दिखेगा ये कास्ट ही देखो यहां पे लिखा है यहां कास्टाइन ही है अरे हाँ या ना तो बताओ कौन सा कास्टायन है देखो ये वाला रीजन ऑफकोर्स कास्टाइन है लेकिन फोर पॉइंट 3 से 6.67 ये भैया जो कास्ट आयन है इसे बोलते हैं यूटेक्टिक डेफिनेटली ये यूटेक्टिक आयरन है लेकिन ये कौन सा है हाइपर यूटेक्टिक हाइपर यूटेक्टिक याद रखना भैया 2 से लेके 4.3 है हाइपो यूटेक्टिक 4.3 है यूटेक्टिक और उसके ऊपर जाओगे तो ये है हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयन, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट भैया बी बॉम्बे बी बॉम्बे देखो आज के सेशन के बाद बहुत सारी चीजें जो बेसिक बेसिक चीजें है जैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है डेफिनेटली हो जाएंगे कवर राहुल संगीत साग्निक अंकित कीर्ति वर्मा वेलकम और सेशन को शेयर कर दो भैया स्टूडेंट चाहिए मुझे यहां पे चलो नेक्स्ट ये देखो मैंने इसलिए डायग्राम दे दी है आपको देख लेना यहाँ पे ओके चलो वाइल नॉर्मलाइजिंग द हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील के लिए पूछा है भैया क्या होगा फिर से डायग्राम आपके पास हाजिर है यहाँ पे हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील देखो इस पॉइंट एट के बाद टू पॉइंट वन परसेंट एक जो रीजन है ये अपना है हाइपर यूटेक हाइपर यूटेक्टॉइड यूटेक्टॉइड रीजन और आपको है नॉर्मलाइजिंग में जो हाइपर स्टील है उसका जो टेम्परेचर होता है हम ए सी एम लाइन के ऊपर उसको क्या करते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड देखो ये वाला कर ब्लैक कलर से अगर दिखाऊं मैं देखो भैया ये वाला ये हाइपो के लिए है और ये हाइपर यूटेक्टॉइड के लिए है इसे है नॉर्मलाइजिंग का रीजन ये वाला है नॉर्मलाइजिंग का रीजन तो बताओ 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 भैया ए थ्री लाइन या ए लाइन ए लाइन ये लाइन जहां पे लास्ट ट्रेस रेस आप आपका होता है कौन सा यिति का उसके बाद आपको 100% परसेंट गाइट दिखेगा ए थ्री पे लास्ट ट्रेस आपका है फेराइट का उसके बाद आपको 100% क्या दिखेगा ये ग्यामा ऑस्टेनाइट दिखेगा भैया चलो क्या आंसर होगा क्या आंसर होगा बताओ इसका जवाब बताओ कि हीटेड ये हाइपर यूटेक स्टील की बात करें हाइपो के लिए क्या होगा ए थ्री ए थ्री लाइन के ऊपर हाँ, तो बताओ यहां पे हाइपो के लिए पूछा है हाइपर के लिए हाइपर के लिए हाइपर के लिए नहीं यहां पे ए लाइन लिखना था मुझे यहां पे ए लाइन ए लाइन यहां पे ए लाइन के ऊपर पचास डिग्री सेंटीग्रेड और उसको बाद में क्या करना है स्टिल एयर में क्या करना है यस 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 परविंदर डेफिनेटली और यहां पे लिखना था मुझे ए थ्री लाइन अबो अबो ए थ्री लाइन ए सी एम ए सीएम डेफिनेटली ए सीएम क्योंकि ए थ्री जो है हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील के लिए और ए सीएम जो है लाइन वो हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील के लिए ओके okay? सो so यहां पे अगर मैं चेंज करूं ए सी एम तो डेफिनेटली ए आपका क्या होने वाला है आंसर होगा डेफिनेटली डेफिनेटली इसमें कोई भी शक नहीं है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ये आपका 0.8 एट परसेंट यूटेक्टॉयड है उसके ऊपर जाएगा तो हाइपो यूटेक्टो हाइपर यूटेक्टॉयड है उसके नीचे आओ तो हाइपो यूटेक्टॉयड है ओके सो तो okay? so भैया ये सही है एसीएम लाइन के ऊपर 50 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टर्स इंक्रीजेस द क्वेश्चनिटी इन कार्बन स्टील जल्दी से बताओ भैया इसका आंसर मशीनाबिलिटी इंप्रूव करने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे लार्ज ग्रेन साइज नॉन यूनिफॉर्म माइक्रोस्ट्रक्चर ओके एडिशन ऑफ सल्फर लीड एंड फॉस्फोरस नॉन लेमिलर स्ट्रक्चर डेफिनेटली मशीनाबिलिटी अगर इंप्रूवमेंट करनी है आपको तो जनरली uh, देखो लो कार्बन स्टील के लिए फॉस्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीड तो है ही दो से चार परसेंट आप उसमें ऐड कर दोगे तो देट मशीनाबिलिटी आपको मिल जाएगी उसके ऊपर नहीं उसके ऊपर जाना नहीं चार परसेंट के ऊपर जागो तो क्या होगा रे कोई बताएगा ये बिल्कुल सही जवाब है कि सल्फर लीड एंड फॉस्फोरस आप ऐड कर दो कि जो वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन होता है फ्री कटिंग स्टील का जिसकी मशीनाबिलिटी की बात करें तो क्या कहने भाई ये वन ऑफ द स्टैंडर्ड हम मानते हैं मशीनाबिलिटी के लिए राइट सो सी सीर्स इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर खाली लीड आपको दो से चार परसेंट के बीच में ही रखना है चार परसेंट से ऊपर चले जाओगे तो स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट है ड्रास्टिकली क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा ये बात आपको याद रखनी है भैया देखो मशीनाबिलिटी बहुत अच्छे से ये इंसर्ट काम कर रहा है आपके सामने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इन द प्लास्टिक रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय यस परिंदर आप सुन लिख करे देखो स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इन द प्लास्टिक रीजन इलास्टिक रीजन की बात करें तो भैया यील्ड पॉइंट तो है ही अपने पास लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि प्लास्टिक स्टेट में प्लास्टिक रीजन में कौन सा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम इंडिकेट करते हैं रिप्रेजेंट करते है। देखो भैया ये जो रीजन है ये जो रीजन है, है ये प्लास्टिक रीजन है देखो ब्लैक कलर से हमें दिखा रहा हूं प्लास्टिक रीजन है और प्लास्टिक रीजन में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ आप जो दिखाते हो देखो पूरे के पूरे स्ट्रेस स्ट्रेन में जो हाइएस्ट स्ट्रेंथ होती है वो तो आपको पता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ और जो कि किसमें आता है प्लास्टिक रीजन में आता है, है. भैया बी बॉम्बे बी बॉम्बे बहुत बढ़िया आंसर बी बॉम्बे बहुत बढ़िया आंसर है इसका हम्म बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बी बॉम्बे बी बॉम्बे यस यूटी यस यूटी अल्टीमेट स्ट्रेंथ वेरी गुड वेरी गुड भैया कहा गए बच्चे जल्दी से लाइक कर दो शेयर कर दो सेशन को और जुड़ जाओ जल्दी से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देखो दो से तीन मार्क का मैं बोल रहा हूं टू टू थ्री मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं इस पर्टिकुलर मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजी से चलो भैया क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द दे डेल्टा आयरन ये देखो 1400 से लेके 1537 डिग्री सेंटीग्रेड जो एग्जिस्टेंस में आता है जो आयरन का दूसरा हायर टेम्परेचर का ये एलोट्रोप जो कि है डेल्टा आयरन डेल्टा आयरन भैया और रूम टेम्परेचर पे जो है वो अल्फा फेराइट है ओके तो कैसा होता है डेल्टा आयरन भैया जल्दी से बताओ ये सी से होता है अंकित अंकित भैया क्या कह दिया फेस सेंटर क्यूबिक सिंपल क्यूबिक हेक्सागोनल पैक नन ऑफ दबो अरे भैया अल्फा फेराइट ले लो या फिर डेल्टा फेराइट ले लो ये दोनों के दोनों बी सी सी है बी सी सी है अरे क्या ए बी सी लगा रखा है भैया बी सी सी कहाँ पे भी नहीं है यहाँ पे मतलब कोई भी नहीं इनमें से बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है भैया डेल्टा आयरन ले लो आप अल्फा आयरन ले लो खाली ए की जो होता है ग्यामा ऑस्टेनाइट ग्यामा ऑस्टेनाइट की जो होता है एफ सी सी Yep, भैया देखो नन अब दबो आंसर होगा क्योंकि बीसीसी होना चाहिए बीसीसी होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर ओके ओके चलो वेरी गुड वेरी गुड डी डेल इज द करेक्ट आंसर सो सबसे कम वेरिएशन मॉड्यूल ऑफ इलास्टिक सिस्टि में विद द टेम्परेचर कौन दिखाता है भैया कौन है वो बैबिट है गनमेटल है इलिनवार है या हेस्टोला है चलो भैया जल्दी से आओ और बता दो क्या है इसका सही जवाब ये yes, इनवार इनवार जैसे आप मटेरियल ले लोगे आयरन निकेल अलॉय जो है भैया कि जिसका ऑफ ऑफ हो जो कोई थर्मल मॉड्युलर्मल एक्सपानस बहुत 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 कम और नियरली इक्वल टू जीरो ओके सो सी 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 चेन्नाई सी चेन्नाई चे, द करेक्ट आंसर भैया याद रखना ये पर्टिकुलर जो आज का सेशन प्लान किया है ये प्रैक्टिस सेशन डायरेक्टली किया है ओके याद रखना ये चीज चलो कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ द स्टील गए भैया स्टेनलेस स्टील का जो एक इंपॉर्टेंट एडिशन है क्या होने चाहिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दोनों भाई है निकेल एंड क्रोमियम की जो देते हैं एक्सलेंट करोजन रेजिस्टेंस टू द स्टील डी डेल्ली डी डेल्ली बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब भैया दो तो चलो चलो क्लियर है इज दिस फाइन इज दिस फाइन सो आई एम बैक आई एम बैक अरे भैया हो के नहीं वहां पे ऑल इज वेल ऑल इज वेल थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस योर वेट थैंक यू सो मच चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं क्या पूछा है भैया क्या पूछा है स्टेबल है भैया ऑस्टेनाइट पे स्टेबल है आ गया क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन बताओ इसका आंसर चलो चलो ऑस्टेनाइट कहाँ पे स्टेबल है चलो देखो मैं आपको दिखा देता हूं देखो ऑस्टेनाइट कहां पे दिख रहा है भाई ये रहा येट और कहा से चालू हो रहा है देखो एग्जैक्ट नाइन हंड्रेड एंड ट्वेल्व डिग्री सेंटीग्रेड से लेके यहां 1400 डिग्री सेंटीग्रेड डेफिनेटली इसकी रेंज है जिस टेम्परेचर रेंज में ग्यामा ऑस्टेनाइट क्या है भैया एग्जिस्टेंस में है यस भैया देखो यहां पे फिर से क्या होगा फिर 500 से पांच सात सौ सत्ताईस बिल्कुल नहीं 700 से 910 नहीं 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 910 से 1400 हाँ जी हाँ जी हाँ हां अरे वामशी चौदह से सौ पंद्रह सो सैतीस में डेल्टा आयरन होता है तुम्हारा स्टेबल डेल्टा वामशी डी नहीं सी सी इज द करेक्ट आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर वेरी गुड वेरी गुड सी चेन्नाई इज द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया देख देखो मैंने डायग्राम हरेक इसके लिए देख रखी है राइट right? डायग्राम हमारे साथ है ये है वन ऑफ मतलब बेस्ट द बेस्ट डायग्राम इन द फेज डायग्राम्स ओके ये है अपनी आयरन एंड आयरन कार्बन इक्विब्रियम डायग्राम और दूसरी क्लासिकल बहुत फेमस क्लासिकलग्राम आपको पता है लिट एंड शोल्डर की जो डायग्राम है बहुत बढ़िया स्ट्रक्चरल ऑफ द कूलिंग ऑफ द प्लेन कार्बन स्टील पॉइंट फोर परसेंट कार्बन एट सेवन फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चलो यहां पे आ जाओ

ये स्टैंडर्ड स्टैंड सात सो पचास समवेयर मतलब ये वाला पॉइंट क्या दिखा रहा है आपको क्या दिखा रहा है एग्जैक्टली oh, so so, 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 यहां so देखो, 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 पे थोड़ा एग्जैक्ट कलर लेता हूं मैं ब्लैक ही लेता चलो ये पॉइंट एट है तो पॉइंट फोर समवेर हियर और साढ़े सात सो समेयर हेयर भैया ये एग्जैक्टली क्या है ये अल्फा फेराइट और ग्यामा ऑस्टेनाइट का मिक्सर है दैट इज प्रायर टू यूटेक्टाइड लाइन ओके दैट इज बिफोर बिफोर यूटेक्टॉइड यस बिफोर यूटेड प्रो रीजन में प्रो यूटेक्टॉइड के रीजन में भैया ये क्या दिखाई दे रहा है आपको अल्फा प्लस ग्यामा ऑस्टेनाइट फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट ये रहा ये रहा ए अहमदाबाद ए अहमदाबाद बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो क्या है जरा एक्जैग करके दिखा दू मैं आपको ये देखो यहां पे ये पॉइंट होगा ये अल्फा है ये पॉइंट समवेयर अपना पॉइंट चार परसेंट कार्बन और साढ़े सात सौ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये इस रीजन में है इस रीजन में जहां पे ये ग्यामा है और ये अल्फा है सो यहाँ पे ये इसका मिक्सर है ए अहमदाबाद ए अहमदाबाद जहां पे अल्फा प्लस

वेरी गुड वेरी गुड चलो बहुत बढ़िया द रैपिड कूलिंग ऑफ द ऑस्टेनाइट टू द दीटास्टेबल फेज मीटास्टेबल फेज भैया ये रहा ग्यामा ये पूरा हर एक क्या है ग्यामा 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 ओके ग्यामा, okay, ग्यामा ग्रेन्स है उसको रैपिड क्वेंच कर दिया मैंने यहां पे नीडल लाइक स्ट्रक्चर की जो हार्ड है ब्रिटल है भैया कौन है वो बोलो बोलो कौन है वो ये है तुम्हारा मार्टे मार्टिन साइट आर मार्टिन जिसने इस पर्टिकुलर फेज को डेवलप किया डिस्कवर किया आर मार्टिन उसकी याद में उसको सेटिक ट्रांसफॉर्मेशन या मार्टिन बोलते हैं okay, प्रोफेसर आर okay, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सी इज द करेक्ट आंसर सी चेन्नाई सी चेन्नाई बहुत बढ़िया प्रेसिपिटेशन हार्डिंग ऑफ द अलुमिनियम देखो ये जिंकर ये जिंकर यह है प्री एजिंग ये ओवर एजिंग ये है एजिंग और यह है ओवर एजिंग ओके एल्फ्रेड वेलम प्रोफेसर वेलम ने जिसका इजाद किया जिस जिसे बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन या फिर एज हार्डनिंग भैया ओके एल्फ्रेड ओके किसने बताया ये वेल्म में क्या बताया कि भैया नॉन फेरस मटेरियल्स में भी ये चीज होती है जैसे आप हीट करो ओके okay, होल्ड करो और क्वेंच करो डिफरेंट कूलिंग रेट से लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको सबर करनी पड़ेगी देखो यहां पे है वेल्म, यह है वेल्ब की प्रोसीजर मतलब हीट किया होल्ड किया कूल किया लेकिन भाई तुरंत आपको नतीजा नहीं दिखेगा आपको कुछ समय बाद यहां पे मुस्कुराहट आएगी भैया हाँ स्ट्रेंथ बड़ी है हार्डनेस बड़ा है हाँ या ना जिसे बोलते हैं ंग hardening, age, hardening, age, लेकिन बहुत बहुत okay, बहुत, बहुत he was, he was एक दिन ऐसे वीकेंड में बोले भाई छोड़ देता हूं मैं जाता हूँ करने गए भाई साहब और वो हार्डनेस मेजर किया ही नहीं उसको ऐसा ही रखा और जब जब वापस आए और समय बीता था, था ओके और जब यहां पे हार्डनेस चेक किया भैया ये तो बढ़ गया ये है एज हार्डनेस हम्म हम्म बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ आ गए पाउडर मेटलर्जी में द मेथड मोस्ट वाइड यूज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ द लो टेम्परेचर मेटल्स पाउडर फॉर यूज इन द पाउडर मेटालजी भैया डायग्राम आपके सामने बोलो क्या है ये क्या है ये बता दो ये डायग्राम यही तो दिखा रहा है इसे बोलते हैं एटोमाइजेशन ऑफ द मेटल मोल्टन मेटल को छोड़ दो और कहां से पास कर दो जहां पे स्प्रेइंग की जेट्स हो ओके वाटर स्प्रे करना है उसके साथ तो आपको नीचे मिलेगी पाउडर ये से देखो पाउडर मिल गई ना हाँ ये मोल्टन मेटल नीचे आ रहा है और यह आपने जेट पास कर दिया ये जी से बोलते एटोमाइजेशन ऑफ द मेटल क्या बोलते हैं इसको एटोमाइजेशन देखो भैया देखो ये सी माही मार रहा है चेन्नई का बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अरे भाई आज कुछ देखो मटेरियल साइंस की लेके आया हूं ये प्रैक्टिस सेशन मेट्रोलॉजी है लेकिन कुछ चेंज करके आया हूं PPT's में क्या ये चेंज बेहतर लग रहा है भाई मतलब वो आंसर के साथ लाया हूं बट आपके अंडरस्टैंडिंग में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जो बोलते हैं ना सामने दिख रहा है आप उसको देख रहे हो कि हाँ यही है ऐसा है राइट right? विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज अरे हाँ या ना चलो भैया चलो बहुत बढ़िया ये है एटोमाइजेशन हम्म और जो अगर किसी ने पूछा कि ज्यादा से ज्यादा वेट में मतलब अमाउंट में अगर आप पाउडर अगर पाना चाहते हो अमाउंट में आपको मतलब क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट ओके तो भैया एकमात्र जो है जो है मिलिंग uh, ओके ओके पाउडर मिलिंग राइट क्रशिंग ये है uh, ये है एक वन ऑफ द मेथड ऑफ मेकिंग द पाउडर ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये रहा आपके सामने चलो भैया पाउडर मेटलर्जी के बने हुए कॉम्पोनेंट्स आपके सामने है ब्रेक लाइनिंग्स होंगे है ना? बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो इससे बनते हैं ड्यूरिंग द सिंटरिंग ऑफ द पाउडर मेटल कॉम्पैक्ट द फॉलोइंग प्रोसेस सिंटरिंग में क्या होता है भैया हम हीट करते हैं लेकिन उसको मेल्ट नहीं करने देते उसके जस्ट पहले तक उसको क्या करते को करते हैं 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 को हीट ओके और छोड़ देते कि क्या हो जाए इसके अंदर बीच में अच्छे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए भैया यस यस द पाउडर पार्टिकल्स डू नॉट मेल्ट एंड डियर स्टूडेंट्स बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन देम यस दैट इज द सिंटरिंग uh, ये होता है ये सिंटरिंग इन पाउडर मेटलर ओके बहुत बढ़िया यस 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 दैट इज करेक्ट मेटल्स विथ विच नॉट बी प्लास्टिकली डिफॉर्म वेरी इजीली हैव द यूनिट सेल ऑफ चलो भैया मटेरियल जो कि भाई अच्छे से मतलब बहुत मुश्किल है उसको डिफॉर्म करना आपके पास तीन चॉइसेस देता हूं बीसीसी है इधर HCP है और भैया यहां पे मैं देता हूं बीच में एफ ओके बीसीसी में टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम मोलिडियम एनसी में जिंक गोबाल्ट जिरकोनियम ओके एफ में आयरन गोल्ड कॉपर निकेल लीड ओके एफ भैया बहुत आसान क्योंकि डक्टिलिटी इनमें अच्छी है भैया आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे डिफॉर्मेशन के लिए ये एच करेंगे लेकिन थोड़ा परेशान करेंगे ये थोड़ा थोड़ा लेस है किससे डाइ लेकिन भैया ये भाई साहब बीसीसी वाले बहुत हार्ड है सख्त है भाई ये सख्त है ओके ये सख्त लोग है भाई आसानी से नहीं डिफॉर्म होते आसानी से नहीं पिघलते राइट ये है आपके बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वाले भाई साहब ओके अरे हाँ या ना अरे भाई साहब हो रहा है कि नहीं प्रैक्टिस हाँ सांगिक वेरी गुड वेरी गुड चलो चलो नेक्स्ट विच इज करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट फॉर द सिलिकॉन वेन एडेड टू द स्टील भैया देखो एलोइंग का क्वेश्चन आ गया एलोइंग का एलोइंग का क्वेश्चन बोल रहे कि सिलिकॉन अगर मैंने ऐड कर दिया स्टील के अंदर तो ये क्या करेगा ये एक्ट एज ए डी ऑक्सीडाइजर हाँ भाई ये तो बहुत ही बेसिक ये करता है सिलिकॉन एक्ट एज ए डी ऑक्सीडाइजर करता है और जब भी कभी हाईयर परसेंटेज में आप उसको ऐड करते हो स्टील के अंदर तो भैया इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हिला देता है सिलिकॉन चेंज कर देता है ये इंपैक्ट करता है इंप्रूव करता है कौन सिलिकॉन हाइयर कंटेंट में हाइयर परसेंटेज में अगर आपने उसको ऐड कर दिया डेफिनेटली ये या करने के लिए भाई उसका नहीं है भाई याद रखना, इसके दो दो ऑप्शन दो, दो, दो सही है ये एम एस क्यू हो गया भाई साहब ये एक्ट एज एक्ट ऑक्सीडाइजर यस और ये इंप्रूव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन द लार्ज परसेंटेज बहुत बढ़िया याद रखना सिलिकॉन ओके यस यस ये एम एस क्यू है ये एम एस क्यू है ये राइट सो बहुत बढ़िया ए एंड बी ए एंड बी डी एस स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया ए एंड बी इसका सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू फॉस्परस मैंने ऑलरेडी एक चीज बताई थी फॉस्फरस नो डाउट ये क्या करता है इंक्रीजिंग इंक्रीजेस हारनेबिलिटी येस करता है इंक्रीजिंगिटी yes, ये भी करता है इंक्रीजेड स्ट्रेंथ इन द लो कार्बन स्टील कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था भैया हां लो कार्बन स्टील में ये क्या करता है इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है हार कार्बन स्टील के लिए नहीं लेकिन लो कार्बन स्टील के लिए इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम भाई साहब ये फॉस्फरस जरूर जरूर करता है सो बताओ ये भी एम हो गया ये भी एमएस टू एम एस क्यू ये सत्रह नंबर वाला क्वेश्चन भी एम एस क्यू चलो भाई ए बी ए बी सी ए बी सी ए बी सी भैया बहुत अच्छे से जा रहे सब लोग समझ में आ रहे नहीं। कुछ कुछ चीजें हैं ना मैं तो बोलता हूं देखो अगर आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि इस इस ये जो समय है वो मैं नहीं बोलूंगा कि भैया कैलिस्टर खोल के बैठो या वीडी कोडगेरी खोल के बैठो मैं नहीं बोलूंगा मैं आपको ओके राइट सो ये है टाइम की जहाँ पे आप इतना तो समय नहीं कि भाई मैं मटेरियल साइंस अब इन बुक से पढूं और नो पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है भाई लेकिन ये समय की बात है ये कुछ समय सही नहीं है तो बेहतर है कि अच्छे-अच्छे क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करो ओके कि जो हम करते आ रहे हैं विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फास्फोरस भैया ये डबल क्यू हो गया चलो ये हो गया है प्लेन कार्बन स्टील में प्लेन कार्बन स्टील इज कॉल्ड एज हाइपो युटेक्टॉइड स्टील इफ इट हैज़ द कार्बन परसेंटेज देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसमें अब बार बार दिखाने की जरूरत भी नहीं है चलो 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 लेस देन पॉइंटेड इक्वल टू पॉइंटेड बिटवीन पॉइंटेड टू टू एंड बिटवीन टू टू फोर पॉइंट थ्री भैया हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील हाइपो मतलब पॉइंटेड से कम यही है ना सो so, ए अहमदाबाद वाला सही है ए ए ए ए ए ए भैया ऑल टाइम फेवरेट अपना ए अहमदाबाद ए अहमदाबाद बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हम्म चलो चलो नेक्स्ट 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 जाते हैं व्हेन 1.2% ऑफ कार्बन स्टील स्लोली कूल्ड फ्रॉम मॉल्टन स्टेट भैया ये थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने हम्म क्या बोले हैं चलो हम ये छोटा सा पार्ट निकालते हैं आयरन आयरन कार्बन का

727 के ऊपर है परविंदर परविंदर ये क्या कर दिया डी कैसे होगा साढ़े सात सौ डिग्री सेंटीग्रेड पे है सात सौ के नीचे आओगे तो आपके पास ये अल्फा फेराइट एंड सीमेंटाइट है ये साढ़े सात सौ बोल रहे भाई साढ़े सात सौ डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा अरे भाई क्या होगा ये मेरे को फिर से आपको देखो डायग्राम देखो ये समवेयर हियर 1.2 परसेंट समवेयर हियर तो और साढ़े सात सौ इस रीजन में मतलब यहाँ पे ओके साढ़े सात सौ पे एग्जैक्ट पूछा मतलब क्या है ये ये पूरी लाइन यहां पे तो यही है लेडेबोराइट तो है लेडेबोराइट तो है अरे है ना दैट इज अल्फा दैट इज गैमोस्टेनाइट और क्या है ये

बहुत बढ़िया सो so, ये है टी 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 कर सी कर ओके क्या है ये आयरन कार्बन डायग्राम एंड टीटी डायग्राम आयरन कार्बन तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए नॉन इक्विलिब्रियम वेरी गुड ए अहमदाबाद इसका होना चाहिए आंसर बहुत बढ़िया ए अहमदाबाद ए अहमदाबाद भैया खत्म हो गया मटेरियल साइंस के बीस क्वेश्चन करवा दिए बहुत अच्छे से मटेरियल साइंस के बीस क्वेश्चन लेकिन बहुत अच्छे से आई होप मजा आएगी नहीं अरे भैया कुछ मिला के नहीं यहां पे आके अब चालू करते हैं थोड़ा बहुत जो मेट्रोलॉजी भी लिखा है ना हमने यहां पे मटेरियल साइंस डन मटेरियल साइंस डन करेंगे मेट्रोलॉजी हां क्लियरेंस क्लियरेंस फिट के बारे में बोला है भैया क्लियरेंस फिट के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन जैसा कि आपको बहुत बार बोला था अपनी श्रिंक फिट तो इंटरफेरेंस फिट है भैया और पुश जो फिट है वो ट्रांजिशन फिट है रिंजिंग फिट बोलो पुश फिट बोलो ये सब कौन से है ट्रांजिशन के फिट है ये रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट जो है भाई साहब एमएसक्यू 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 ये रहा एमएसक्यू आपके सामने पुश फिट है ट्रांजिशन फिट फिट है इंटरफेरेंस फिट ये रनिंग फिट जो है या फिर स्लाइड फिट जो है भैया ये दोनों बॉम्बे टू कैलकास फिट है, है भैया आई मेरी बात समझ में डी तो इंटरफ्रेंस है हाँ परविंदर लेकिन भाई साहब कौन कौन क्या क्या बोला बी सी ए बी सी ओके याद रखना ये बात पुश फिट ट्रांजिशन फिट रिंजिंग फिट भी ट्रांजिशन फिट फिट इंटरफ्रेंस फिट हम्म हम्म वेरी गुड वेरी जिसके आई एन जी आई एन जी ओके पास पार्टिसिपल वेरी गुड वेरी गुड ऑब्जर्वेशन परविंदर चलो बेसिक शार्फ्ट बेसिक शाफ्ट देखो पहले यहां पे बता दू इसकी डायग्राम में लाने वाला था लेकिन वो मैं न डाल नहीं पाया ये है बेसिक होल और ये है बेसिक 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 शाफ्ट होल का है ये है 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 ये साइज साइज तुम्हारी कि जिस के ऊपर हम पूरे लिमिट लिमिट फिट टॉलरेंस टॉलरेंस जो जो भी आपके डिफाइन करते जिस साइज के ऊपर वो होती है बेसिक साइज और जो कैलकुलेट करके डिजाइन से हमको मिलती है वो होती है अपनी नॉमिनल साइज ओके यहाँ पे बेसिक साइज है और ये जो होल है ये इसकी है हायर लिमिट और ये इसकी है लोअर लिमिट मतलब ये फंडामेंटल डिविएशन जो है होल का बेसिक होल का वो उसका क्या है लोअर लिमिट है और जो शाफ्ट है देखो ये शाफ्ट की हायर लिमिट है और ये शाफ्ट की लोअर लिमिट है तो यहाँ यहां जो होल अगर लूंगा तो ये इसका लोअर जो डिविएशन होगा ओके okay, वही उसका क्या होता है फंडामेंटल डिविएशन और शाफ्ट अगर लूंगा तो उसका अपर डिविएशन वही क्या होता है उसका फंडामेंटल डिविएशन ओके okay, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि शाप जिसका अपर डिविएशन है जो कि बन गया है जीरो बिकॉज वो क्या है बेसिक शाप थे बेसिक शाप थे भैया ए अहमदाबाद ए अहमदाबाद फिर से आ गया चुनके ए इज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर भैया लाइक कर दो सेशन को सेशन को लाइक कर दो शेयर कर दो भैया ये प्रैक्टिस सेशन है ओके okay, मजा आएगा आप रिकॉर्डेड भी देखोगे तो मजा आने वाला है बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे चलो एच एच पी सिक्स का टाइप बताओ कौन सा पिट रहेगा फिर से एक बार ये अपनी बी आई एस ब्यूरो स्टैंडर्ड्स चलो बताओ जिसके और से हम सभी जो होल एंड शार्प के डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स दिखाते हैं यहाँ पे है कैपिटल एच सो यहाँ पे ए बी सी डी एफ जी एच स्मॉल एच देन जे जे एस जेड एडबी जेडसी जडे जड़बी समवेयर हियर और ये अगर मैं बोलता हूं कि ये पी शाफ्ट है जिसका ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट और ये है तुम्हारा अपर लिमिट ऑफ होल ये है लोअर लिमिट ऑफ होल भैया यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये बात कुछ अजीब अजीब है कि अप लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट इज मोर देन द अपर लिमिट ऑफ द होल भाई साहब ये तो भैया गया ये तो गया भाई इंटरफरेंस में गया इंटरफरेंस में गया क्योंकि मिनिमम ऑफ द शाफ्ट इज मोर देन द मैक्सिमम ऑफ द होल भैया ये तो इंटरफरेंस फिट ही होगा ओके ट्रांजिशन फिट में क्या होता है कि भैया दोनों के दोनों जो लिमिट है जनरली शाफ्ट के वो लाई करते हैं ये सपोज बहुत एग्जैगरेट करके दिखा रहा हूं मैं याद रखना यहां पे ये तुम्हारा होल का मैक्सिमम है ये होल का मिनिमम है पूरा का पूरा शाफ्ट जनरली शाफ्ट का जो टॉलरेंस है इसमें लाई करता है किसमें इसीलिए तो उसको ट्रांजिशन ओवरलैप होता है येस, येस, येस. Okay. और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है तो इसको क्या कहते हैं बताना मुझे और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है तो इसको बताना क्या कहते हैं क्या होगा ये क्या होगा जब अपर लिमिट लाई कर रहा है होल के टॉलरेंस जोन में और कभी कभी लोअर लिमिट लाई कर रहा है होल के टॉलरेंस जोन में ये तो ये तो डायग्राम है ना अपने पास ये तो डायग्राम आपको दिखाती है भाई ये क्लियरेंस फिट होगा इंटरप्रेंस फिट होगा ट्रांजिशन होगा डायग्राम के ही पास से हमको मिलता है सब चीजें ओके क्लियरली इस पूरा का पूरा ये जो अपना डायग्राम है ओके होल्स एंड शाफ्ट वहां पे आपको मिल जाएगा इससे ही तो लिया मैंने चलो नेक्स्ट टू हैव द असेंबली आउटपुट एज अ मिनिमम क्लियरेंस टू हैव असेंबली आउटपुट एज अ मिनिमम क्लियरेंस फिट इट इज द डिफरेंस बिटवीन चलो मिनिमम क्लियरेंस फिट चाहिए मिनिमम क्लियरेंस फिट भैया ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये रहा होल इसका मिनिमम होल का मिनिमम और ये रहा शाफ्ट जिसका मैं ले रहा हूं मैक्सिमम तो ये रहा मेरा मिनिमम क्लियरेंस तो ये रहा मेरा मिनिमम क्लियरेंस अरे हाँ है ना देट इज अलावंस ओके सो मिनिमम ऑफ दी होल एंड मैक्सिमम ऑफ शार्ट दोनों के बीच का जो डिफरेंस है भैया यही तो कहलाएगा मिनिमम क्लियर जो होता है अलाउंस कि जो होता है अलाउंस द द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मटेरियल रिमूवल कंडीशंस फॉर द होल एंड शाफ्ट यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बी बॉम्बे बी बॉम्बे बहुत बढ़िया ये तो, वो तो ये टॉलरेंस जो है टॉलरेंस यूनिट जो निकालते हैं भैया किसके साथ निकालते हैं फॉर्मूला आपको बता है ये तो दे दिया मैंने आपको पॉइंट फोर फाइव क्यूब रूट ऑफ डी प्लस पॉइंट नॉट नॉट वन टाइम्स डी कि जिसमें डी जो होता है मैंने बोला है बहुत बार ये होता है यस yes, जल्दी से बता दो क्या होता है ये यस इट इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ दी डायमीटर्स मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमीटर वी आर टेकिंग ओके टू कैलकुलेट दिस यूनिट विच इज इन माइक्रॉन विच इज इन माइक्रॉन विच इज इन माइक्रॉन भैया ओके okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग होल एंड शार्ट साइजेस ऑफ द मेटेड दार्ट अकॉर्डिंग टू द बेसिक होल बेसिक होल दिया है मतलब यहां पे बोला है भैया मिनिमम ऑफ द होल क्या है ओके okay. उसकी बेसिक साइज ही रहेगी क्योंकि बेसिक होल है ये तो मिनिमम जो साइज है होल की ये रहा आपका बेसिक होल ये है मिनिमम ऑफ द होल विच इज नथिंग बट व्हाट बेसिक साइज ओके okay. और मैक्सिमम कैसे निकालोगे इसमें टॉलरेंस ऐड कर दोगे यस और नो वेरी गुड सो मिनिमम साइज कितनी है सेवेंटी फाइव एम एम है मिनिमम ऑफ दी होल ओके सॉरी मिनिमम कितनी है सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव जीरो सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव जीरो मिनिमम है ओके सो टॉलरेंस कितना है यहां पे जल्दी से बताओ भाई कैलकुलेट करके मैक्सिमम क्लियरेंस पूछा है मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होता है मैक्सिमम क्लियरेंस आपको बताया क्या होता है मैक्सिमम ऑफ दी होल माइनस मिनिमम ऑफ दी शाफ्ट एक्सट्रीम लिमिट दोनों के दोनों के एक्सट्रीम लिमिट ओके यस 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 ये है ऑप्शन डी चलो चलो बताओ कितना होता है नहीं नहीं मिनिमम है मैंने मैक्सिमम पूछा यस 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 मैंने चेंज करना रह गया वेरी गुड सेवेंटी माइक्रोन सेवेंटी माइक्रोन मैक्सिमम शाफ्ट कितना है भैया 75.52 में से 75.45 पॉइंट फाइव कर दो ओके कितना आया डी डेली बहुत ही सिंपल ये तो मैक्सिमम क्लियरेंस है डी डेली डी डेली डी डेली, डेली बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया देखो अब ये क्वेश्चन करेंगे सॉल्व इंपॉर्टेंट देखो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है ओके ये बहुत बार क्वेश्चन आता है फंडामेंटल डेविएशन एंड टॉलरेंस पूछा है द लिमिट ऑफ द साइज फॉर द शार्प एंड द होल फॉर द फॉलोइंग फिट आपको दिया है फिट सिक्सटी फोर एच एट सेवन बेसिक साइज दी है चौसठ आपको फंडामेंटल होल uh, दिया है फंडामेंटल डिवेशन कैपिटल एच फंडामेंटल शार्प स्मॉल एफ और दोनों के रिस्पेक्टिव टॉलरेंस ग्रेड दे चुके हैं आठ एंड सात उसके लिए टॉलरेंस की वैल्यू भी आपको दे चुके हैं एच एट के लिए है पच्चीस आई येवन के लिए सिक्सटी नाइन ओके okay, सबसे पहले तो निकाल दो भैया डायमीटर स्टेप दिया है आपको 50 एमएम अस्सी एमएम का और शाफ्ट के लिए भाई साहब उन्होंने दिया है फंडामेंटल डेविएशन माइनस फाइव पॉइंट फाइव दिस डी टू द पावर जीरो पॉइंट फोर फाइव का कैसे निकालेंगे भैया जल्दी से निकालो आई आए कितना आएगा जीरो पॉइंट फोर फाइव डी सबसे पहले तो डी जैसे कि हमने देखा जोमेट्रिक मीन निकालते हैं मैक्स मीन जो स्टेप दी है 50 इंटू एटी जल्दी से बताओ कितना आया ये टॉलरेंस ग्रेड 1.856, 1.856 भैया आपने तो कहर ढा दिया इतने फास्ट आंसर अगर देने लगे तो भाई साहब ये गेट कोई भी एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं आपके सामने चलो 1.856 माइक्रोन जितना सॉरी आई आ रहा है आई आ रहा है आई आ रहा है आपका डायमीटर कितना है सिक्सटी थ्री पॉइंट 63.24 टू फोर ओके और आई कितना आया इसकी वैल्यू डाल दो इसकी वैल्यू डाल दो भैया आई के लिए आई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर फाइव क्यूब रूट ऑफ डायमीटर इज 63.24 प्लस 0.00 टाइम्स वन टाइम्स डी डी कितना है 63.24 बताओ कितना आता है आई आई इज इक्वल टू हाउ मच आई 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 1.856 1.856 माइक्रोन जितना ओके अब यहां पे आपको दिया है कैपिटल होल कैपिटल होल दिया है मतलब क्या है ये ये बेसिक बेसिक होल है ये और बेसिक होल के लिए भैया आपका जो ये बेसिक होल है इसका मतलब ये ये मैं टॉलरेंस जोन ले लू होल का तो ये है मैक्सिमम ऑफ द होल ये है मिनिमम ऑफ़ होल तो बताओ मिनिमम ऑफ दी होल क्या कहलाएगा बेसिक साइज कहलाएगा बेसिक साइज कितनी दी है भैया 64 फोर देयर फोर द मिनिमम ऑफ द होल कितना आया मिनिमम ऑफ द होल आया सिक्सटी फोर अब आपको निकालना पड़ेगा टॉलरेंस की वैल्यू होल के लिए होल का टॉलरेंस निकालो भैया होल कितना है उसकी टॉलरेंस ग्रेड h8 के लिए 8 के लिए कितना दिया है 25i h8 के लिए टॉलरेंस निकालो h8 के लिए टॉलरेंस है 25 दिस टॉलरेंस यूनिट i दैट इज 25 1.856 भैया कितना आया कितना आया जल्दी से बता दो ट्वेंटी फाइव इंटू वन पॉइंट एट फाइव सिक्स ये आ रहा है फोर्टी सिक्स पॉइंट फोर माइक्रॉन माइक्रॉन तो मिलीमीटर mm कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स फोर मिलीमीटर वेरी गुड ये रहा तुम्हारा टॉलरेंस किसके ऊपर टॉलरेंस ऑन द होल की जो है जीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स फोर एम सो आपको मिनिमम होल पता है सिक्सटी फोर देअर फॉर मैक्सिमम ऑफ द होल क्या होगा ये आपको पता है सिक्सटी फोर ये बेसिक आपका होल है एच दट इज फंडामेंटल डिविशन कैपिटल एच सो यहाँ पे है आपका मैक्सिमम ऑफ होल जल्दी से बताओ ये टॉलरेंस आपने निकाल दिया कितना आया जीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स फोर एम एम सो बताओ मैक्सिमम ऑफ होल इज इक्वल टू सिक्स फोर प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स फोर एम एम विच इज इक्वल टू सिक्सटी फोर पॉइंट जीरो फोर सिक्स फोर एम एम वेरी गुड भैया वेरी गुड बताओ होल के डायमेंशन गए आपके होल का मैक्सिमम मिला होल का मिनिमम मिला अब देखो भैया यहाँ पे शार्फ्ट जो बोला है फंडामेंटल डेविएशन इसका दिया है आपको और यहाँ पे जो आपका शाफ्ट है कौन सा शाफ्ट है स्मॉल एफ सो ए बी सी डी ए बी ए बी सी डी ई एफ समवेयर हियर आपका जो शाफ्ट है एफ e, है भैया तो आपको ये है आपके शाफ्ट का मैक्सिमम साइज और ये है आपके शाफ्ट का मिनिमम साइज और भैया इसका मैक्सिमम साइज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा फंडामेंटल डिविएशन निकाल दो इसका दिया है फंडामेंटल डिवेशन क्या दिया है माइनस फाइव पॉइंट फाइव इंटू डी टू द पावर जीरो पॉइंट फोर वन माइनस फाइव पॉइंट फाइव इंटू डी टू द पावर जीरो पॉइंट फोर वन ये दिया है फंडामेंटल डिविएशन ऑफ शाप्टैट इज माइनस फाइव पॉइंट फाइव इंटू डायमी कितना निकाला था आपने कितना निकाला था डायमीटर जो कैपिटल डी हमने निकाला था सिक्सटी थ्री पॉइंट टू फोर सिक्सटी थ्री पॉइंट टू फोर टू द पावर जीरो पॉइंट फोर वन बताओ कितना आया फंडामेंटल डिविजन सिक्सटी थ्री पॉइंट टू फोर टू द पावर जीरो पॉइंट फोर वन इंटू फाइव पॉइंट फाइव भैया ये आ रहा है मेरा तीस ये आ रहा है मेरा तीस पॉइंट वन वन फोर माइक्रॉन ओके okay. अरे हाँ ना यस yes, सो so नेगेटिव नेगेटिव है नेगेटिव है माइक्रॉन में सो भैया अब मुझे चाहिए क्या मैक्सिम ऑफ द शाफ्ट मिलेगा देयर फॉर मैक्सिमम ऑफ द शाफ्ट इज इक्वल टू वॉट इज देयर दैट इज यू आर है बेसिक बेसिक साइज सिक्सटी फोर माइनस 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 क्या करना पड़ेगा ये फंडामेंटल डिविएशन ओके यस और नो कितना है सिक्सटी फोर माइनस कितना है जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो वन वन ओके बताओ कितना आया दैट इज मैक्सिमम ऑफ शाफ्ट मैक्सिमम ऑफ शाफ्ट कितना आया यहां पे देखो डायग्राम में बहुत अच्छी तरीके से देखो सिक्सटी फोर माइनस दिस जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो वन वन कितना आया सो सिक्सटी फोर माइनस डिसएंसर 63.96 63.969 63.969 63.969 मिलीमीटर mm. ये रहा मैक्सिमम ऑफ़ योर शाफ्ट और मिनिमम क्या होगा इसमें से टॉलरेंस माइनस कर दो सो 63.969 माइनस टॉलरेंस ओके ऑन दी शाफ्ट सो टॉलरेंस ऑन दी शाफ्ट कितना दिया है उसका आपको डिवीशन ओके स्मॉल एफ स्मॉल ईफ 7 टॉलरेंस ग्रेड कितनी है सेवन सो so, इसके लिए दिया है आपको टॉलरेंस सो निकालो कितना था जल्दी बताओ सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय पॉइंट एट फाइव सिक्स था ना तो यह ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स नाइन सिक्स माइक्रॉन ओके okay, सो so बताओ मिनिमम ऑफ कितना होगा ये माइक्रोन में है सॉरी तो मिलीमीटर में होगा जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन सिक्स नाइन सिक्स ओके वेरी गुड सो सिक्सटी थ्री मैक्सिमम कितना है दिस थ्री पॉइंट नाइन सिक्स नाइन सिक्सटी थ्री पॉइंट नाइन सिक्स नाइन माइनस द आंसर सिक्सटी थ्री पॉइंट नाइन थ्री नाइन थ्री सिक्सटी थ्री पॉइंट नाइन थ्री नाइन थ्री मिला आपको ये मिनिमम ऑफ दी शाफ्ट ये है मैक्सिमम ऑफ दी शाफ्ट डियर स्टूडेंट्स चलो जल्दी से देखो क्या पूछा है उन्होंने टॉलरेंस एंड द लिमिट्स ओके सब निकाल दिया सब निकाल दिया भाई हमने टॉलरेंस निकाल दिया फंडामेंटल डिविएशन बता दो फंडामेंटल डिविएशन भी बता दो भाई ओके okay, शाफ्ट के लिए तो फंडामेंटल डिविएशन तो जीरो है और फंडामेंटल डिविएशन किसका शाफ्ट का जो है दिस इज द अपर डिविएशन which is nothing but what is the value there 60 क्या है सिक्सटी थ्री पॉइंट नाइन सिक्स नाइन ओके ये तो आपको पता है गेज डिजाइन भैया निकाल दिया है टॉपिक याद रखना इसीलिए मैं नहीं लेता है गेज जो डिजाइन था मैं गेज पूरा लिमिट गेज टॉपिक था आई बॉम्बे ने पिछले साल से एलिमिनेट कर दिया वरना मैं तो उसके क्वेश्चन जरूर लेता गेज डिजाइनिंग के ओके okay. चूंकि वो निकल गया है इसके लिए मैं ज्यादा उसके ऊपर नहीं देखता लिमिट गेजेस कोई मतलब फायदा ही नहीं है हमको जितना चाहिए इंपॉर्टेंट है उसको उसको ही देखना वो भी कोई बड़ी बात नहीं है ओके okay. क्लियर चलो 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 यहाँ पे 28 बहुत बढ़िया 28 बहुत बढ़िया इन द टॉलरेंस स्पेसिफिकेशन 50 h8 d6 द लेटर d रिप्रेजेंट अरे भैया d क्या ये रिप्रेजेंट करेगा फंडामेंटल डिविएशन ऑफ द क्या शाफ्ट ये किसके लिए है कैपिटल h कैपिटल a है होल के लिए स्मॉल d है शाफ्ट के लिए बेहतर बेहतरीन बेहतरीन d डेलीज द करेनेस d डेलीज द करेक्टनेस डी डेट इज द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड भैया चलो सो so, ये था डी स्टूडेंट्स यस ऑफ कोर्स ये सब चीजें हमने डिस्कस की आज मटेरियल साइंस के रिलेटेड मेट्रोलॉजी के रिलेटेड ना की चीजें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और उसके साथ साथ ही हमने क्या सीखे उसके रिलेटेड कंसेप्ट उसके रिलेटेड बैकग्राउंड का नॉलेज सब चीजें यहां पे सीख लिया ओके स्मॉल डी फॉर शार्प एज फॉर ये आई होप ये प्रोडक्टिव देखो कम समय है लेकिन ये हम जो सोच रहे देखो सेशंस आपके सामने लाने के लिए दिस पर्टिकुलर कोर्स में टाइम कम है लेकिन चीजें बहुत ज्यादा है लेकिन प्रोडक्टिव वे में आपके पास कैसे सब चीजें पहुंचे यही क्या है हमारा मेन मोटो है राइट ज्यादा से ज्यादा एंड प्रोडक्टिव वे में सो राइट सो ये स्लाइड को देख लेना भाई गेट विजन गेट 2022 का कोर्स रैंकअप का कोर्स विजन 2023 का ओके okay, 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो राइट नाउ एट द मोमेंट तो प्रैक्टिस के लिए रैंकअप इज द कोर्स ओके एनी डाउट इज देयर यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर और ये एमर सीरीज में आ रहा हूं कल से मैं दोपहर तीन बजे सौरभ थैंक यू सो मच फॉर यूर लव डियर सौरभ थैंक यू सो मच देखो ये जो है गेट एमर्स दोपहर तीन बजे अपने इंग्लिश चैनल के ऊपर लाइव आऊंगा मैकेनिक्स लेके कल से और भैया दस बजे तो है ही अपना एमएसक्यू का सीरीज वहां पे भी स्किल इंप्रूव डे बाय डे करेंगे ही इस प्लेटफॉर्म पे आओगे तो डेफिनेटली वैल्यू एडिशन हंड्रेड परसेंट रहेगी भाई साहब ये गारंटी अपनी चलो थैंक यू सो मच फॉर यूर ऑलवेज मोटिवेशन फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर लव ओके सो कल से नया सब्जेक्ट चालू होगा यहाँ पे थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट लेकिन हम जाएंगे दूसरे प्लेटफॉर्म के दूसरे चैनल के ऊपर कोई बात नहीं लेकिन मिलेंगे जरूर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच कल साढ़े सात बजे बाद में कर दूंगा ओके सो प्रोडक्शन यहाँ पे यस yes. लेकिन चालू है अपना एमएस्यू में चालू है भाई डोंट वरी कल सुबह दस बजे आ जाना है भाई जूस ऐप के ऊपर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच गाइज बाय बाय टेक केयर Lots of love. Lots of love to you. And all the best for your preparations in the journey. We are with you. Kal milenge firse. Okay. Good night. Jai Hind. Jai Bharat. Thank you so much.